व्हाट्स अप एवरीवन, होप ऑल विल बी फाइन। दिस इज योर ऑल, वेलकम टू माय इट्स। आज का ब्लॉग यहीं से स्टार्ट करते हैं। अभी जो आप देख रहे हो, मैं खड़ा हूँ अखाड़े में, मेरे जस्ट पीछे आपको जिम के इक्विपमेंट्स दिख रहे होंगे। तो गाइस, अभी हमारे इधर लॉकडाउन पूर्णतः लॉकडाउन नहीं लगा है, मतलब थोड़ा बहुत लॉकडाउन लगा हुआ है। तो क्या है, जिम मतलब बंद है, मतलब सारी जिमें बंद है। तो मैं अभी आया हूँ कुटी में वर्कआउट करने के लिए। आज हम ट्रेन करेंगे बैक एंड बाइसेप, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी परेशानी के कारण हम उसे रिकॉर्ड नहीं कर सकते। और हमारी जो शुरुआत हुई थी, जिम की जो शुरुआत हुई थी, वो यहीं से हुई थी, करीबन 2 साल पहले से। पहले हम क्या मतलब ऐसे ही आया करते थे, मतलब ऐसे कबड्डी वगड्डी वगैरह खेला करते थे। लेकिन अभी ओ क्या है जो ऊपर इसका पड़ गया सारा, अरे बूटा हर भाई बहुत कस के काटता है, बॉस बहुत ज़्यादा। हाँ तो हम कहाँ थे, शुरुआत हमारी यहीं से हुई थी। अब वापस से यहीं आ गए। तो गाइस, अभी अपना वर्कआउट हो चुका डन, और अपनी प्री वर्कआउट मील है ये पीनट्स, 100 ग्राम पीनट्स है। 100 ग्राम पीनट्स में 26 ग्राम प्रोटीन होता है और 26 ग्राम कार्ब्स होते हैं, और 40 ग्राम के आसपास फैट होता है इसमें, और 11 ग्राम के आसपास इसमें होता है फाइबर। मतलब फाइबर बहुत अच्छा होता है हमारे मतलब खाने को पचाने के लिए। किसी को खाना अगर पचता नहीं है तो फाइबर फूड्स खाएँ, जैसे कि आप जैसे ये पीनट्स हो गए, अपने चने हो गए, चने में बहुत ज़्यादा फाइबर होता है, पूरे अमीनो एसिड्स होते हैं इसके अंदर खाने में। लेकिन थोड़ा सा बोरियत सा लगता है खाने में, थोड़ा सा बोरियत लगता है, बाकी सब कुछ ठीक है। सो कभी कभार ऐसा नहीं होता हमारे साथ कि सोने के बाद उठो तो हमारा सर दर्द होने लगता है, लेकिन आज मेरे साथ उल्टा हुआ। सोने के पहले मेरा सर दर्द बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, लेकिन अब ऑलमोस्ट ठीक हो गया है, जो कि बहुत अच्छी बात है। बहुत ज़्यादा सर दर्द कर रहा था सोने के पहले, लेकिन अब एकदम ठीक हो चुका है। सो गाइस, दोपहर में एकदम हमारे मौसम एकदम विपरीत था। इतनी ज़्यादा धूप थी, बहुत ज़्यादा धूप थी, उसके कारण ही मेरा सर दर्द कर रहा था वैसे। और अब जो मौसम है, आप देखो, आप सोचते होंगे कि हर दिन बस मौसम ही दिखाते रहता, लेकिन मैं सही बोल रहा हूँ कि मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा है हमारे इधर पे। हम पहाड़ एकदम क्लियर देख सकते हैं। बड़ी बड़ी सिटी में आप पहाड़ नहीं देख सकते, कुछ कुछ जगह ऐसी जहाँ पे मतलब इतना ज़्यादा प्रदूषण बढ़ गया कि आप पहाड़ नहीं देख सकते, वहाँ पर एकदम फॉग ही फॉग दिखता है, पहाड़ आपको दिखते नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा बिल्कुल सीन नहीं है, एकदम क्लियर हम पहाड़ यहाँ से देख सकते हैं, एकदम क्लियर, इतना क्लियर कि ऐसा मन होता है कि हम यहीं से चले जाएँ, इतना क्लियर दिखता है यहाँ से। तो सुबह सुबह मेरी बात पूरी नहीं हुई थी, अपने पीनट्स में अशिनसस अमीनो एसिड्स होते हैं जो कि प्रोटीन बनाते हैं। अब देखो होता क्या है, हमारे इधर वेजिटेरियन में ऐसा होता है कि पूरे अशिनसस अमीनो एसिड्स नहीं होते हैं पूरे, आपकी जो आप जो मील ले रहे हो उसमें, जैसे आप वेजिटेरियन कोई भी मील ले रहे हो तो उसमें सारे अमीनो एसिड्स नहीं होते, जिससे हमारा प्रोटीन है ना मतलब परफेक्ट प्रोटीन नहीं होता, मतलब यानी पूरा 100% प्रोटीन नहीं होता। 100% प्रोटीन तो वैसे एग होता है, 100% प्रोटीन होता है एग, प्योर एंड प्योर 100% प्रोटीन होता है एग में, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है वेजिटेरियन में हमें अमीनो एसिड्स ना मिले, मतलब यानी वेजिटेरियन में हमें प्रोटीन ना मिले, ऐसा नहीं है। सो गाइस, वन ऑफ द बेस्ट मील है पीनट्स वेजिटेरियनों के लिए, मतलब बहुत अच्छा सोर्स है पीनट्स वेजिटेरियन लोगों के लिए, क्योंकि उसमें सारे अमीनो एसिड्स होते हैं प्रोटीन की चेन बनाने के लिए। प्रोटीन की चेन अमीनो एसिड से बनती है, जो कि वेजिटेरियन में बहुत ज़्यादा टफ है, मतलब यानी वेजिटेरियन में आपको ऐसी कोई मील मतलब ऐसी कोई ज़्यादा चीज़ें नहीं मिलेंगी जिसमें सारे अमीनो एसिड प्रेजेंट हो, बहुत कम चीज़ें हैं जिसमें सारे अमीनो एसिड प्रेजेंट हो, और सारे अमीनो एसिड मिलकर ही प्रोटीन बनाते हैं। तो पीनट्स में सारे अमीनो एसिड्स होते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। मैं मम्मी को छोड़ के 12 बजे के आसपास आया, सो गया, सोने के बाद जो उठाऊँ मेरा मूड एकदम फ्रेश हो गया, और इतना अच्छा मौसम होना तो बात ही क्या, अच्छी फील आती थी, पॉजिटिव वाइब आ रही थी। तो सोचा शूट कर लूँ, काम ही वही है यार अपना शूट करना। हम पता नहीं एक या दो दिन में पता नहीं क्या हो जाता है, हमें डीमोटिवेट हो जाते हैं, शूट करना बंद। एक वीडियो डालूंगा ना, उसके एक या दो दिन बाद उसके एक दो दिन शूट ही नहीं करूँगा मैं, एक या दो दिन तीन दिन शूट ही नहीं करूँगा मैं उसके एक वीडियो डालने के बाद, पता नहीं क्या होता अब। लेकिन ऐसा नहीं है, कितनी बार बोल चुका हूँ वीडियो में कि अब कंटिन्यू करूँगा, कंसिस्टेंसी बनाए रखूँगा, लेकिन साली हो ही नहीं पाती। सो गाइस, जिम बंद है हमारे इधर के, लेकिन अखाड़ा हमारा चालू है। वहाँ पे हमारी कुछ बहुत पुरानी यादें थी, हम लोग वहाँ पहले बहुत जाया करते थे, मतलब यानी कबड्डी वबड्डी वगैरह खेला करते थे वहाँ पर बहुत। तो शुरुआत हमारी वहीं से हुई थी हमारी, तो सब लोग मतलब ऐसे ही करते थे, मतलब कुछ तो आता नहीं था। 2 या 3 साल पहले की बात करूँ, जब मैं 17-18 साल का था जब मैंने जिम चालू की। लेकिन सीरियस में अभी हुआ 20 साल में, सोचो 3 साल लग गए मुझे, 3 साल
समझने में, 3 साल मतलब पूरा एनालाइज करने में कि भाई इसमें क्या है, क्या कैसे क्या होता है। और लेकिन देखो एनालाइज तो कर दिया, लेकिन आपके सबसे मेन चीज़ मतलब यानी आप बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं, सबसे मेन चीज़ है कि आपको पैसा चाहिए। पैसा लगता है बॉडी बिल्डिंग में, कि घर से थोड़ा वो सपोर्ट चाहिए होगा, मतलब पैसा चाहिए बॉडी बिल्डिंग में, पैसा तो लगता ही है बॉस, गांठ बांध दे कि पैसा लगता है बॉडी बिल्डिंग में, बहुत ज़्यादा पैसा लगता है। तो घर वाले तो नया सपोर्टिव है नहीं। मैं एक बात बताता हूँ कि अपना बॉडी बिल्डिंग है वो पैसे के बिना अधूरी है, मतलब पैसा नहीं होगा ऐसा नहीं कि कोई भी काम भाई पैसे से ही होता है, लेकिन ऐसा है कि बॉडी बिल्डिंग में पैसा लगता है बॉस, लगता है मतलब लगता है, क्योंकि आपके जो डेली मतलब जो आपका खाने की जो खपत है उसमें पैसा तो चाहिए ना। आप जो खाओगे चिकन अंडे एग्स वगैरह जो भी, अब घर वाले अफोर्ड नहीं कर पाएंगे तो आपको कुछ करना पड़ेगा, ऐसे ही हमें भी कुछ करना है। सो गाइस अभी काम की चल रही है, मतलब ऐसा काम मुझे ऐसा काम चाहिए जिसमें मैं अपना शूटिंग भी मतलब इसमें मैं अपना व्लॉग भी कर पाऊँ और जिम भी कर पाऊँ। जिम तो मेरा खैर, जिम तो मेरे लिए सबसे पहले सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी मेरे लिए, मैं जिम को देता हूँ, मैं अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी में अपनी जिम को देता हूँ पहली, फिर सेकंड हम देते हैं मास्क को जो कि बहुत ज़रूरी है। सो गाइस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं, अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दें एंड बेल आइकन प्रेस जरूर करें ताकि हम कोई भी डाल तो आपको उसके बाद नोटिफिकेशन आ जाए। और हवा बहुत तेज चल रही है, हम इसको एंजॉय करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे पॉजिटिव, फॉलो करें इंस्टाग्राम पे, अगर आपको जो भी क्वेश्चन पूछना है आप मुझसे पूछ सकते हैं, फॉलो करें इंस्टाग्राम। अपने घर पर रहिए और मास्क लगाते रहिए, मास्क जरूर लगाएं कहीं पर भी जाएं, सीरियसली भी सीरियस ब्रो, मास्क जरूर लगाएं, कोविड गया नहीं है। वैक्सीन जरूर लगाएं, अगर वैक्सीन नहीं लगाएं तो वैक्सीन भी लगवाएं और मास्क जरूर लगाकर घूमें। अगर वैक्सीन लगवा ली है तो भी मास्क लगाएं, क्योंकि वैक्सीन लगवाने के बाद भी कोरोना हो जा रहा है और बहुत से लोगों को फैल जा रहा है। जैसे अगर आपने वैक्सीन लगवा ली है तो आपको कोरोना होगा लेकिन आप तो ठीक हो जाओगे, लेकिन बंदे ने सामने वाले वैक्सीन नहीं लगवाई उसको कोरोना होगा, और बाई चांस कुछ हो गया तो बहुत गलत है ना ये। तो वैक्सीन लगवाने के बाद ही मास्क पहने, सैनिटाइजर का उपयोग करते रहें पल पल पे, ब्लॉग्स को देखते रहें यहीं पर। और अभी मौसम बहुत ज़्यादा प्यारा हो रहा है और हवा इतनी प्यारी चल रही थी, गोली गोली आवाज़ आ रही ना, मैं आपको शब्दों से बयान नहीं कर सकते थे, प्यारी हवा चल पॉजिटिव। कोई भी सिचुएशन है और स्टे पॉजिटिव, पॉजिटिव सोचना बहुत जरूरी है, कोई भी सिचुएशन हो हम जीत जाएंगे, अपने मन को एक बार बोलो कि हम जीत जाएंगे, बस स्टे पॉजिटिव, सैड नहीं होने का कभी भी जीवन में, एक ही लाइफ मिली है बॉस, लगा दो पूरी दम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इफ यू कैंट फ्लाई रन, इफ यू कैंट रन वॉक, इफ यू कैंट वॉक क्रॉल, बट बाय ऑल मींस keep moving.